क्या रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ? मधुकर जी दफ्तर से आकर अभी पानी पी रहे थे, तभी उनका पोता रमन घर आकर बाइक की चाबी उनके सामने पटकते हुए बोला, दादाजी मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरी बाइक पुरानी हो गई है, वो कभी भी बंद पड़ जाती है, मुझे नए मॉडल की बाइक चाहिए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मधुकर जी कुछ बोले नहीं, केवल सोच में पड़ गए। तभी रमन फिर से बोला, नई बाइक ना सही, कम से कम मेरी पढ़ाई के लिए मुझे एक लैपटॉप तो दिलवा दीजिए। कितने दिनों से कह रहा हूँ मैं, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर मेरे पापा इस दुनिया में होते तो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उसकी दादी अहिल्या जी कड़क स्वर में बोली, रमन ये क्या तरीका है दादाजी से बात करने का? रमन गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। मधुकर जी उदास हो उठे। पहले ही उन्होंने रमन की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले रखा था। ऊपर से जब पिछली बार रमन ने बाइक की डिमांड की थी तो उन्होंने अपनी कंपनी से लोन लिया था। अब फिर से नई बाइक और लैपटॉप की फरमाइश सुनकर वो परेशान हो गए। रमन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन बार बार समझाने पर भी वह कोई नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और उसके लिए हर महीने कोचिंग की महंगी फीस भी भरनी पड़ती थी। रमन के माता पिता एक एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो चुके थे। अपने बेटे के अंतिम समय में मधुकर जी ने उससे वादा किया था कि वह अपने पोते की परवरिश खूब अच्छे से करेंगे, और इसी कारण मधुकर जी बचपन से ही उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने से पीछे नहीं हटते थे। रमन को बिना किसी मेहनत और संघर्ष के हर चीज मिल जाती थी, इसलिए उसे ना तो पैसों की कदर थी और ना किसी की मेहनत की। दिन पर दिन उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही थी। इस बार भी मधुकर जी मोह में पड़कर उसे मना नहीं कर पाए और उन्होंने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार लेकर और पुरानी बाइक बेचकर उसे नई बाइक दिलवा दी और अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर लैपटॉप भी खरीद दिया। रमन बड़ा खुश हुआ, लेकिन मधुकर जी कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। अब उन्हें कर्ज वापस भी तो लौटाना था, इसलिए वह घर के खर्चों में कटौती करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि वह उन्हें फल दूध घी वगैरह ना दिया करे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप अगर ठीक से खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तो वह कहने लगे कि दूध और घी तो बच्चों के लिए होता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, तुम यह सारी चीजें रमन को खिलाओ, क्योंकि अभी वह पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसे इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है। वैसे भी आजकल मुझे खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, तो मुझे हल्का खाना ही देना। अहिल्या जी उनकी बात मान गई। मधुकर जी बहुत तनाव में रहने लगे थे। 51 वर्षीय मधुकर जी दिन रात कर्ज चुकाने की चिंता में ही डूबे रहते थे और अब खान पान में भी कटौती होने के कारण एक शाम काम से वापस आते हुए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं था और फिर भीड़ में से किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई पहले इन्हें हॉस्पिटल लेकर तो चलो। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी सड़क के किनारे एक दुकान वाले ने जब मधुकर जी को देखा तो कहने लगा कि आप लोग थोड़ा दूर हटो, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, बस एक ऑटो बुलवा दो। उसने अपनी दुकान नौकर के हवाले की और कुछ लोगों की मदद से उसने मधुकर जी को ऑटो में बिठाया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसने डॉक्टर से मधुकर जी का इलाज शुरू करने के लिए कहा। वह मधुकर जी को जानता था, क्योंकि मधुकर जी अक्सर उसकी दुकान से सामान खरीदते रहते थे, लेकिन उसे उनके घर का पता मालूम नहीं था। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। इधर दुकान वाले ने उनकी आई कार्ड में से नंबर देखकर उनके कंपनी में फोन करके उनकी हालत के बारे में बता दिया। कंपनी वालों ने उनके ही यूनिट में काम करने वाले श्याम बाबू को मधुकर जी के घर यह खबर पहुंचाने के लिए भेज दिया। श्याम बाबू जी ने मधुकर जी की पत्नी अहिल्या जी को सारी बात बताई तो वह घबरा गई और तुरंत ही श्याम बाबू जी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ी। रमन घर पर नहीं था तो अहिल्या जी ने पड़ोसियों को यह सब बताकर कह दिया कि रमन घर आए तो उसे हॉस्पिटल भेज देना। उसके बाद वह तुरंत ही अपना बटुआ लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मधुकर जी को होश आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गया था, उनके खान पान का खूब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यह सुनकर अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। आज वह खुद को ही उनका अपराधी समझ रही थी कि उनकी बात मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें रोते हुए देखकर मधुकर जी ने कहा, अरे भाग्यवान रोती क्यों हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, वह तो ज्यादा थकान के कारण चक्कर आ गया था।
अहिल्या जी भरे गले से बोली, मैं सब जानती हूँ जी, यह सब क्यों हो रहा है। एक तो आपने पहले ही रमन की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, ऊपर से जब उसे नौकरी करके आपके झुकते हुए कंधों को सहारा देना चाहिए, तो इस उम्र में भी आप ही उसकी खुशी के लिए पैसे जुटाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, ऊपर से अपने खर्चों में कटौती करने के लिए अपने खान पान पर ध्यान देना भी बंद कर दिया है, लेकिन मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, आपको केवल रमन के बारे में ही सोचना है, मेरा ख्याल नहीं आता आपको। इतना कहकर वो अपने पल्लू से मुंह ढक कर रोने लगी। मधुकर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि वह रमन की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे, वह रमन के प्रति हर फर्ज निभाएंगे। तभी तो वह उसकी फरमाइश को चुटकी बजाते ही पूरी करने की कोशिश करते थे, और जब भी वह उसकी किसी फरमाइश को पूरी करने में देर कर देते थे तो उन्हें ग्लानी भाव महसूस होने लगता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह एक अच्छे अभिभावक की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उनका बेटा होता तो वह अपने बेटे के लिए क्या नहीं करता। इन्हीं विचारों के चलते मधुकर जी हमेशा रमन की उचित अनुचित मांग पूरी करते जाते थे और कर्ज में डूबते जाते थे। और रमन इतना बड़ा हो गया था फिर भी गैर जिम्मेदार था। शायद इसमें गलती मधुकर जी की ही थी। अगर उन्होंने परवरिश के दौरान रमन को यह समझाया होता कि कौन सी चीज जरूरी होती है और कौन सी गैर जरूरी, तो शायद आज वह इस कदर कर्ज में ना डूबे होते। ऊपर से रमन आज भी कोई काम करने को तैयार नहीं था। यदि वह काम करता तो जल्दी से कर्ज निपटा कर वह निश्चिंत हो जाते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बाद रमन का क्या होगा। अब तो उन्हें लग रहा था कि समय रहते ही यदि उन्होंने कठोरता से रमन की परवरिश की होती, उसे थोड़ा अनुशासन सिखाया होता, तो शायद रमन इतना लापरवाह ना होता। जिंदगी के प्रति उसका नजरिया कुछ और ही होता। उनकी आंखों से भी आज विवशता के आंसू टपक रहे थे। तभी तो कहते हैं कि मोह में अंधे होकर अपनी संतान को इतना भी सुकुमार नहीं बनाना चाहिए कि वह जीवन के संघर्षों से सामना करने की हिम्मत भी ना कर पाए। जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, वह कभी भी पैसों या धन संपत्ति की कद्र करना नहीं सीख पाता है। उन्हें खामोश देखकर अहिल्या जी कहने लगी, अब आप इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? मैं तो कहती हूँ कि अभी भी समय है, आप रमन को सिखाइए कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसे भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करिए और आप अपने खान पान में कटौती मत करिए। मधुकर जी कहने लगे, तुम तो बेकार में ही परेशान होती हो, वैसे भी बुढ़ापे में घी दूध वगैरह हजम कहाँ होता है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैं एक दिन में रमन की सोच नहीं बदल सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तभी रमन बाहर से दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आया और उनके गले से लग कर रोते हुए कहने लगा, दादाजी यह सब क्या है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे चक्कर में आपने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया है। ऐसे कोई करता है क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? पापा भी मुझे छोड़कर चले गए, माँ भी चली गई, अब आप दोनों ही तो मेरे सब कुछ हैं। मैं आपके प्यार दुलार में यह भूल गया था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जिस तरह आपने बचपन से मेरा ध्यान रखा, अब आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। मैं तो आपकी छांव तले निश्चिंत होकर जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज जब आपकी तबीयत के बारे में सुना तो मैं भागता हुआ हॉस्पिटल आया। बाहर खड़े होकर मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप मेरी वजह से इतना कर्ज लिए बैठे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके प्यार का क्या बदला दे रहा हूँ? मैं बहुत बुरा हूँ ना? कहते हुए वह फफक फफक कर रोने लगा। उसकी दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं रोते, तुम्हें इतनी समझदारी ही कहाँ थी। रमन के दादाजी भी कहने लगे, बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रमन ने अपने दादा दादी की हथेली कसकर थामते हुए कहा, नहीं आज से आप लोग मेरा ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आज जाकर हुआ है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी तो करूंगा ही, इसके साथ ही मैं कोई और काम ढूंढने की कोशिश भी करूंगा। मैं जिंदगी भर पढ़ता ही रहूंगा तो फिर आप लोगों का ध्यान कब रखूंगा? आज मुझे समझ में आ गया है कि समय रहते अपनी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए, वरना बाद में हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। रमन की बातें सुनकर मधुकर जी और अहिल्या जी की आंखों में सुकून के भाव तैरने लगे। आज परिस्थितियों को देखकर रमन ने खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया था।
मधुकर जी और अहिल्या जी को आज समझ में आ रहा था कि उनकी परवरिश इतनी भी गलत दिशा में नहीं गई थी, क्योंकि रमन ने आज बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लिया था। कुछ महीनों के बाद रमन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। सरकारी नौकरी का सपना तो उसका अभी भी बना हुआ ही था, लेकिन अब वह इतना तो कमा ले रहा था कि अपने दादा दादी को बुढ़ापे में एक आरामदायक जिंदगी दे पा रहा था। दोस्तों, सपने देखना बुरा नहीं होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी में लचीलापन बहुत जरूरी होता है। एक लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।